शुक्रवार 25 मई बानाहाट प्रखंड अंतर्गत चूनाभट्टी चाय बागान के मस्जिद क्लब में सिलीगुड़ी ग्रेटर्स लाइन आई क्लब हॉस्पिटल एवं समाज सेवी संस्था सिद्धि के सहयोग से नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे से नेत्र जांच शिविर का आयोजन की गई थी, जिनमें नेत्र विशेषज्ञ सिलीगुड़ी ग्रेटर लाइन्स क्लब आई हॉस्पिटल के कई टेक्नीशियन के साथ आए हुए थे, जिनमें डॉक्टर इमरानुल हक, डॉक्टर रोहित दत्ता, डॉक्टर नूर आलम मुख्य रूप से इस नेत्र जांच शिविर कार्यक्रम के दौरान 110 चाय बागान के जरूरतमंद लोगों का नेत्र जांच किए गए। वहीं PTHI सामाजिक संस्था की कोऑर्डिनेटर जलपाईगुड़ी से सेवेंदु दास ने मुख्य रूप से अपना सहयोग दिया। आज के नेत्र जांच शिविर के दौरान में 23 लोगों की आंखों में मोतियाबिंद रोग पाए गए हैं, जिनमें आई हॉस्पिटल लाइन्स क्लब की ओर से मुफ्त में ऑपरेशन एवं आने जाने की खर्च तथा दवाई और चश्मा दिया जाएगा। स्थानीय समाजसेवी कुंवर सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम में चाय बागान के श्रमिकों में काफी उत्साह देखा गया। देखते रहिए NAI डोर्स न्यूज, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाकों के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। आपका नाम? मेरा नाम शुभेंदु दास, मैं CDHI संस्था का एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ और यहाँ पे आज चूनाभट्टी टी गार्डन में सिद्धि संस्था और सिलीगुड़ी ग्रेटर लाइन्स आई हॉस्पिटल और साइट सेवर प्रोजेक्ट के माध्यम से यहाँ पे आज फ्री आई कैंप चेकअप हो रहा है, जिसमें यहाँ पे लगभग अभी 110 जन OPD पेशेंट दिखा चुके हैं और यहाँ पे फ्री में आई का चेकअप और स्पेक्टिकल चश्मा भी दिया जा रहा है और मोतियाबिंद जिसका मिल रहा है ऑपरेशन के लिए भी उसका फ्री में हम लोग ले जाएंगे। और यहाँ पे और भी बहुत कोई बच्चा भी आ रहे जिसका आँख में प्रॉब्लम है वो दिखा रहे और जिसका क्रिटिकल जो समस्या है उसको लोकल विजन सेंटर में रेफर कर रहे हैं। और ये हम लोग यहाँ पे बहुत कम्युनिटी में बहुत उत्साह देख रहे इस काम कैंप के माध्यम से और लोकल जो मैनेजमेंट टी गार्डन मैनेजमेंट वो लोग भी सपोर्ट में है हम लोगों के साथ और ख़ास करके हम लोग सिलीगुड़ी ग्रेटर लाइन्स और यहाँ पे जो मजदूर क्लब है उन लोगों का भी सपोर्ट हम लोग बहुत मायने रखते हैं। कैमरामैन नहीं, यहाँ आग शिविर जो लगाया गया है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जो आज शिविर लगाया गया है आपके लिए जो उसके लिए जो आम जनता वो चेक करा नहीं सकता है, तो इसीलिए आज जो बाहर से आया है डॉक्टर साहब उसके द्वारा आज दिखाया जा रहा है, बहुत से लोग आके दिखा रहे हैं, बाहर जाने नहीं सकते हैं, जब फ्री कैंप हो रहा है इसीलिए दिखाने जा रहे हैं, तो बहुत सुख सुविधा मिल रहा है हम लोगों को आज, बाहर भी जाने नहीं सकते हैं दिखाने के लिए, ऑपरेशन भी फ्री में होगा, ले जाएंगे फ्री में। और क्या क्या सुविधा दे रहे हैं? यहाँ चश्मा भी सुविधा दे रहे हैं फ्री में और ऑपरेशन भी जिसका मोतियाबिंद है उसको ऑपरेशन फ्री में हो रहा है, उसको ले जाएंगे हम लोग, एक दिन जाएंगे सब कोई रिजर्व करने। आपका नाम? लौसु तुरी। आज से आई शिविर जो बैठा है इसका बारे में आप क्या बोलने चाहते हैं? आई शिविर जो बैठा है ग्रेटर लाइन्स क्लब सिलीगुड़ी से आया हुआ है, यहाँ हम लोगों का जो चाय बागान में जो सुविधा के लिए इतना अच्छा सुविधा जो कि इतना दूर से आकर हम लोगों को सुविधा दे रहे हैं और यहाँ जितने भी जवान बच्चे बड़े रहे हैं उन लोगों को भी आँखों का प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ करीबन अभी तक तो 200 करीबन जा चुके हैं, अभी इलाज अच्छी तरह से हो रहा है, मैं भी एक पेशेंट होकर आया हूँ और यहाँ अच्छा इलाज हुआ है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, यहाँ मोतियाबिंद का कितना पेशेंट आपको दिखने में? मेरे रहने तक तो 1820 तक सुनने में आया यहाँ मोतियाबिंद का, अभी शायद और भी पेशेंट आ रहे हैं, बढ़ भी सकता है। ठीक।